नमस्कार, मैं परवीन अलावत, मेरे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज इतने जोरदार प्रोग्राम थे कि 6 घंटे से मैं लगातार कोशिश में था कि दीपेंद्र भाई साहब कोई बयान दे, लेकिन जनता का इतना जोश था तो हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। लास्ट प्रोग्राम है, तकरीबन 10 बज चुके हैं और अब दीपेंद्र भाई साहब ने समय है वो दिया है। भाई साहब, इतना जबरदस्त प्रोग्राम था, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, तो जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो एकदम से माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है पिछले कुछ दिनों में, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर सरकार, जो एक नकारा सरकार साबित हुई है, प्रदेश का हर तरीके से नुकसान इस सरकार ने किया है, उस सरकार को प्रदेश के लोग सत्ता से बाहर करने का मन बना चुके हैं। सर, चाहे बादली हो, जज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, बेरी हो, लगातार लोग एक बात बोल रहे हैं, मेरा वोट दीपेंद्र हुड्डा को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो इस चीज़ का रीज़न क्या है सर? डायरेक्ट वोट है आपको दिया जा रहा है? ये लिंक है, ये मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब का और मेरा ये हमारी कर्म भूमि है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और 4 की 4 सीट झज्जर की, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और झज्जर की 4 की 4 सीट और रोहतक और सोनीपत की जो ये हमारी ये 20-21 सीट हैं, इनमें से लगभग सारी सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है और अच्छे बहुमत के साथ जा रही है। सर, कुलदीप बस जो प्रोग्राम कर रहे हैं इतने जबरदस्त है, जैसा आपके प्रोग्राम में जोश होता है ऐसा ही बस जी के प्रोग्रामों में जोश है, तो कितनी उम्मीद है बादली सीट से? और ये बादली से पूरी सीट से पूरी सी उम्मीद है। बादली मेरी, मैं समझता हूँ मेरी जन्मभूमि सांगी है, मगर मैं बादली क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। और अभी कुलदीप वत्स कह रहे थे कि भाई कभी मौका मिला तो मैं कुर्बानी देने को, हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, तो मैंने इनकी जो बात है वो मैं ध्यान से सुन रहा था, उसकी बात भी मैं, इनकी बात जो है, इनकी बात पे भी मैं कभी ना कभी अमल करूंगा, यहाँ से कभी ना कभी मैं इनको इस्तीफा दिला के जब मौका मिलेगा मैं यहीं से अपना चंडीगढ़ का रास्ता बादली होते हुए मैं जाने का काम। आज इन्होंने जो ये अपना एक न्योता दे दिया है, आज इन्होंने जो न्योता दिया है, इनकी बात को मैं कभी ना कभी मान लूंगा, ये मैं जो है कुलदीप ने जो न्योता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस जी, क्या कहेंगे, जबरदस्त प्रोग्राम आपके चल रहे हैं और दीपेंद्र भाई साहब के आने के बाद तो 4 चांद लग गए हैं। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ बादली क्षेत्र की जनता का, जो जिस प्रकार से वो आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, लोगों ने एक मन बना लिया कि इस बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है खट्टर को, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तो लोगों का आशीर्वाद और प्यार है और बढ़िया वोटों से पूर्ण बहुमत से जीत के और हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, हरियाणा में जवाब देने सवाल है, क्या मैं बादली विधानसभा से अगले होने वाले विधायक से बात कर रहा हूँ? जी हाँ, जनता बनाएगी तो विधायक बनेंगे। जी। तो ये आपने देखा, दीपेंद्र हुड्डा साहब से मैंने बात की, कुलदीप वत्स से मैंने बात की और काफी जोश में है, काफी उत्साह में है और अब तो प्रचार के 3 दिन ही बाकी हैं, लेकिन जनता का समर्थन जो प्राप्त हो रहा है, और मुझे आज इंटरव्यू निकालने में ही कम से कम पूरे तकरीबन 6 घंटे लगे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, लगातार अपने लोकप्रिय नेता से, हर दिल अजीज नेता से है, जनता लगातार मिल रही है। और दीपेंद्र हुड्डा की खासियत ये है कि जवाबदेह ज़्यादा हैं, लोगों से मिलते हैं, हर एक की बात को सुनते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको अलग नेताओं की श्रेणी में खड़ा करता है, अलहदा नेता है। और भाजपा का आप जानते ही हैं कि जो पॉलिसीज चल रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है लगातार वो भी गिरते जा रहे हैं, बेरोजगारी दर है वो भी प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने एक जो पॉलिसी बनाई थी, 2000 रुपये जो है किश्त के रूप में दिए जाते थे, पहली स्कीम में 6 करोड़ किसान थे, लेकिन अब उसमें केवल 1 करोड़ किसान बाकी हैं, 5 करोड़ किसान है उस लिस्ट से हटा दिए गए हैं, तो कई तरह की बातें चल रही है और जनता बदलाव के मूड में दिखाई देते। शुक्रिया।